तो गाइस ये वीडियो में हम बात करने वाले RG 10 टच डेमो के न्यू अपडेट के बारे में। आपको पता होगा ये अपडेट अल्फा के लिए रिलीज हो चुका है। मैं अपडेट की बात कर रहा हूँ, सॉफ्ट वाला अपडेट अभी रिलीज हुआ है एंड सॉफ्ट वगैरह ऐड हो गई तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये अपडेट पब्लिक के लिए आया नहीं है, यानी कि आने वाला था सेप्टेम्बर महीने में, आज हो चुका है अक्टूबर महीने की फर्स्ट डेट, लेकिन आया नहीं अभी भी अपडेट। तो कब तक आपको देखने के लिए मिला वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड आप लोग के मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहे हैं भाई कब तक इस अपडेट को पब्लिक के रिलीज किया जाएगा एंड कब इसके अपडेट को हम प्ले कर पाएंगे। लेकिन डेवलपर ने यहाँ पे क्लियर किया है कि जब ये अपडेट को डेवलपर ने रिलीज़ किया था अल्फ़ा के लिए, तो अल्फ़ा टेस्टर को ये अपडेट में बहुत सारे बग देखने के लिए मिला था, ठीक है। तो डेवलपर ने यह क्लियर किया है, आज ही 10 टच डेमो के डेवलपर उसने क्लियर किया है कि ये अपडेट में आपको जितने भी बग देखने के लिए मिले, ठीक है, वो सारे बग को डेवलपर फिक्स करेंगे, उसके बाद आपको पब्लिक के लिए देखने के लिए मिलेगा। लेकिन डेवलपर ने वहाँ पे यह भी बोला है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। डेवलपर ने ऐसा नहीं बोला है कि हमने दो दिन में अपडेट रिलीज कर देंगे पब्लिक के लिए, लेकिन डेवलपर ने यह बोला है कि उसमें आपको थोड़ा टाइम देखने के लिए मिलेगा। एंड अब बात करते हैं कि एक भाई ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर, कि मेरे डिवाइस में ब्लैक स्क्रीन आ रही है, आज 10 टच डेमो को मैं प्ले कर रहा हूँ फिर क्रेश हो जा रहा है। तो देखो गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आपके डिवाइस में ऐसा हो रहा है तो वो गेम की गलती नहीं है, वो गलती आपके डिवाइस की, क्योंकि आपके डिवाइस में ये गेम सपोर्ट नहीं कर रहा है इसलिए। अदरवाइज़ गेम के आपको पता होगा ग्राफिक्स वगैरह हाई है, आपको बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं, हाई ग्राफिक्स देखने के लिए मिलते हैं, इस वजह से आपके डिवाइस लो डिवाइस है ना, आपके डिवाइस में गेम वर्क नहीं कर रहा है, मतलब आपके डिवाइस में गेम क्रेश हो रहा है, ठीक है। तो वो गलती गेम की नहीं है, गलती आपके डिवाइस की, आपके डिवाइस में गेम सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर आपके डिवाइस में हो रहा है तो भाई आप बताना, अदरवाइज आप एक नेक्स्ट अपडेट के इंतजार, कोई बग वगैरह होगा तो डेवलपर फिक्स कर देंगे, ओके। तो मैंने इसके बारे में डेवलपर से बात तो ऑलरेडी कर रखी, ओके। इन्हें बात करते हैं कि ये तो अपडेट डेवलपर ने बोला कि थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो कब तक आएगा? वो डेवलपर ने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, हम फिक्स करने के बाद ही अपडेट रिलीज रोल आउट करेंगे पब्लिक के लिए। अदरवाइज अल्फा के लिए अपडेट टाइम पे आ गया, जब डेवलपर ने बोला था कि अपडेट आने वाला है सितंबर महीने में, अल्फा के लिए आ चुका था, बट अगर आपको देखने के लिए मिला इसलिए थोड़ा अपडेट पीछे चला गया, ओके। अक्टूबर महीने के अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, 3-4 दिन में आ जाएगा। तो डेवलपर ने कुछ भी टाइम वगैरह सेट नहीं किया। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, क्योंकि आप लोग बहुत ही कमेंट कर रहे थे भाई कि कब तक अपडेट आएगा, कब तक इस अपडेट को हम प्ले कर पाएंगे, सारा कुछ मैंने आपको क्लियर यहाँ पे कर दिया। छोटी सी वीडियो थी 1-2 मिनट की, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आई होगी। एंड आपका अगर कोई और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्लियर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो में उसका भी हम सोल्यूशन निकाल लें, ओके। तो फिलहाल तो ये वीडियो करते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ओके। चलेगा, इसलिए मिलते हैं कुछ टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।